नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम अविनाश है। टीम इंडिया के ऑफ स्पिनर आर अश्विन ने अपनी फिरकी से कंगारुओं की बैंड बजा दी है। आर अश्विन ने अपने शुरुआती स्पेल में 3 विकेट निकालकर ऑस्ट्रेलिया को संकट में डाल दिया। स्टीवन स्मिथ, ट्रेविस हेड और कैमरन ग्रीन, तीनों बल्लेबाजों को आर अश्विन ने ही आउट किया। अश्विन की फिरकी में अक्सर स्टीवन स्मिथ को फंसते हुए नहीं देखा गया है, पर आर अश्विन ने इस बार बाजी मार ली। उन्होंने दुनिया के नंबर 1 टेस्ट बल्लेबाज को कैच आउट करवाया। स्टीवन स्मिथ मात्र 1 रन बनाकर आउट हुए। स्मिथ के आउट होते ही भारत ने राहत की सांसें ली। इसके बाद आर अश्विन ने ट्रेविस हेड को अपना शिकार बनाया। एक आसान सा कैच ट्रेविस हेड आर अश्विन को थमा बैठे, जबकि तीसरा विकेट कैमरन ग्रीन के रूप में गिरा। आर अश्विन की एक फ्लैटेड लेंथ की गेंद को घुमाकर डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से मारना चाहते थे, पर विराट कोहली ने एक शानदार कैच लपक कर कैमरन ग्रीन को सस्ते में वापस का रास्ता दिखा दिया। 24 गेंदों में 11 रन बनाकर कैमरन ग्रीन आउट हुए। आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मानस लबुशेन ने 47 रनों की पारी खेली, 119 गेंदों का सामना करते हुए 7 चौके, और लबुशेन को उमेश यादव ने आउट किया। इससे पहले मैच के दूसरे दिन भारतीय टीम ने सिर्फ 11 रन पर अपने 4 विकेट गंवाए और टीम इंडिया की पहली पारी 244 रनों पर सिमट गई थी। मयंक अग्रवाल ने 40 गेंदों में 17 रनों की पारी खेली। इस दौरान 2 चौके भी मयंक अग्रवाल ने लगाए। भारत को तीसरा झटका चेतेश्वर पुजारा के रूप में लगा, जो 160 गेंदों में 43 रन बनाकर आउट हुए। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने 74 रनों की पारी खेली और रन आउट हो गए थे, जबकि अजिंक्य रहाणे भी 42 रन पर मिचेल स्टार्क की गेंद पर LBW आउट हुए थे। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।